You are watching Poonch Live. आदम नासिर सुनकोट के पोठा में एक शराब की दुकान खोली गई है जिसको बंद करने की मांग हर कोई कर रहा है, चाहे वो कोई आम शहरी हो, ओलमा हजरात हो या कोई पॉलिटिशियन, सभी इस दुकान को बंद करने की मांग कर रहे हैं। इसी जिम्न में कल ओलमा हजरात और व्यापार मंडल की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने आज सुनकोट को पूरी तरह से बंद करने की कॉल दी थी, जिसका आज असर भी देखा गया। आज सुनकोट मार्केट पूरी तरह से बंद रही और गाड़ियां भी बंद थी, जिसकी वजह से कई लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन सुनकोट की आवाम ने आज ये साफ तौर पर बता दिया कि सुनकोट की आवाम नहीं चाहती कि यहाँ पर शराब की दुकान खुले। मजीद देखिए पूछ लाइव की इस रिपोर्ट में। चमकाने से, डराने से आदमी मान जाता है, माना है ही नहीं, दस्तखत है ही नहीं, ये झूठा, ये करके सारा झूठ का बेड़ा गर्क होगा। ये शराब की दुकान यहाँ नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, अल्लाह ने चाहा। इसके लिए दो चार आदमी अगर मर गए तो कोई बात नहीं, मरवाना तो इनके लिए आसान हो गया है। तो इसलिए ये है कि जी मोहम्मद सरवर मनास है, मैं पोठा का रहने वाला हूँ। यहाँ आज जो हमारे मार्केट की तरफ से जो कॉल बंद की कॉल दी गई थी, ये एक बड़ी नाजेबा हरकत जो है हमारी सरकार की तरफ से हुई है। जो शराब का ठेका यहाँ फिर दोबारा से खोलने का जो कोशिश की जा रही है, मेरी गुजारिश है सरकार से, मेरी गुजारिश है कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ कोई एपिसोड हो गया तो इसका जाती तौर पर वो जाती जिम्मेवार होंगे, क्योंकि हम अब अगर ये ठेका बंद ना किया गया, अगर ये ठेका बंद ना किया गया तो हम अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने के लिए कभी सरकार को इजाजत नहीं देंगे, चाहे उसमें हमें कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़ जाए। हम खासकर पोठा जैसे गाँव में ये शराब की जो है ठेका खोलना, क्या यहाँ कोई भी ऑफिसर आकर देखे, डीसी साहब खुद आकर देखे, क्या पोठा की वो जगह कोई है? एक अगर सरकार ने कोई देनी है तो अपनी सरकारी बिल्डिंग बनाकर दे दे उसको। हमारे पोठा गांव में उसको क्यों खोल कर रखा है? किसी आम लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं? आपस में हिंदू मुसलमान फसाद बना रहे हैं, कभी कोई कहता है जी हिंदू नहीं दे रहे, कभी कहता है कोई मुसलमान नहीं दे रहे, क्यों आपसी भाईचारे को क्यों तबाह कर रहे हैं? तो आज का ये बंद जो है, जब भी ये व्यापार मंडल की तरफ से हुआ, आवाम की तरफ से हुआ, आज कंप्लीट ये जो है कामयाब रहा, और आगे आने वाला जो है आज इसका फैसला वो भी किया जाएगा सख्त। अगर आज इसमें कार्रवाई, सरकार ने कोई कार्रवाई ना की, बंद ना किया, मैं मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के सरकार से कि एक मामूली सी बात के लिए आप इतना कौन सा बड़ा इशू है जिसको लेकर आप आज इतने लोग जो है लोन लेकर, जैसे कि हमारे साथी ने बताया लोन लेकर तो दुकानें, आज कितना बड़ा नुकसान है, बसों वालों का नुकसान है, गाड़ियों वालों का नुकसान है, लोग बीमारों का नुकसान है, ये आपकी नजर नहीं आता है? बस ठेका आपको जो है आपका ठेका है तो आपने प्रोटेक्शन दीजिए। वहाँ चार सिपाही खड़े किए हैं, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया, उस जंगल में जाकर ठेका खोला है, क्या वहाँ कोई मुनासिब जगह ठेका खोलने के लिए? खुदा ना खास्ता उनको कोई हो गया, कुछ 19-21 हो गई, तो मैं आज अलानिया कहता हूँ
के खुदा ना खौफा अगर उनको ठेके वालों को कुछ हुआ तो ये जाति जो है सरकार की तरफ से उनको कत्ल कराने का एक मंसूबा जो है वो तैयार किया जा रहा है कि वो वहां जाकर जंगल में ठेका खोलें और सारे गांव पोठा वालों को ये हथकड़ियां लगाएं और इनको कैद में डालें। ये एक सरकार का मंसूबा है। तो आज का हमारा कामयाब रहा, आगे जो है फर्दर जो है हम अपनी किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अगर आज ये ठेका बंद ना किया गया तो। जी मेरा नाम अमजद खान है, मैं सुरनकोट के दूर दराज इलाका ब्लॉक बप्याज का सरपंच हूँ। जैसा कि आज जो व्यापार मंडल की तरफ से जो आज एक शॉर्ट नोटिस में एक पुरअमन प्रोटेस्ट रखा गया और यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों से जो है लोग जो है परेशान हाल हैं। एक पोठा में शराब की दुकान जो खोली गई है वो एक तरफ तो गवर्नमेंट नशा मुक्त की स्कीम जो है लॉन्च कर रही है और दूसरी तरफ जो है नशे को बढ़ावा दे रही है। नस्लों जो नौजवान नस्ल है वो तबाह बर्बाद हो रही है। उनको खेल के बजाय टूरिज्म के बजाय और लैपटॉप के बजाय वो अगर शराब की बोतलें देगी तो आज आने वाले नौजवान नस्ल वो तबाह बर्बाद हो रही है। दूसरी तरफ जो व्यापार मंडल की जानब से यहाँ पे आज जो बाजार बंद है, लोगों ने लोन लेकर दुकानें जो खोली हुई हैं, गवर्नमेंट ने विद इन डेज जो स्कीम लॉन्च की है लोन की, तो बड़ी तादाद में नौजवान जो बेरोजगार थे उन्होंने लोन लेकर दुकानें खोली हैं और आज देखो कितना नुकसान हुआ है उनका। हम नहीं चाहते कि आगे भी ये बंद रहे और जो सुरनकोट बाजार बंद रहा तो कल जो है पंचरा की आवाम जो ब्लॉक बब्लियास भी बंद होने को जा रहा है, वो लोग भी जो है पंचरा की अगर तादाद बड़ी तादाद में लोग आए और यहाँ पे जो आने वाले दिनों में उनका जोश वलवला एक तूफान की लपेट में आ जाए और यहाँ पे नुकसान हुए तो ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको फौरी तौर पर आज ही बंद किया जाए। मेरा नाम अजहर मनास है, मैं प्रेसिडेंट व्यापार मंडल सुरनकोट का प्रेसिडेंट। देखिए आज के प्रोटेस्ट की जहां तक बात की जाए, पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि सुरनकोट के अंदर जितने भी हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं या हमारे उलमा हजरात हैं या जितने भी लोग हैं, इन्होंने डिफरेंट किस्म से अपने मेमोरेंडम लेके इन्होंने डिप्टी कमिश्नर पोंच, एसडीएम सुरनकोट, डीवाईएसपी सुरनकोट और कई लोगों को जो है वो दिए है। उसका देने का मकसद यही था कि यहाँ की आवाम ये चाहती थी कि यहाँ पर वाइन शॉप को ना खोला जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर ना हुआ और कल जो है यहाँ पर उलमा हजरात ने एक मीटिंग जामा मस्जिद में कॉल दी जिसमें व्यापार मंडल और वुकला हजरात को भी बुलाया गया और उसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर जो है वो कल मुकम्मल बंद होना चाहिए। शाम को 4 बजे व्यापार मंडल सुरनकोट की तरफ से हमने कॉल दी और तमाम लोगों ने, व्यापारियों ने जो है आज बंद की सपोर्ट की। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दुकानदार भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस बंद की कॉल को कामयाब किया। जहाँ तक वाइन शॉप का मसला है, पिछले एक साल पहले यहाँ पर ये एडवर्टाइज हुई थी और इसकी लोकेशन वार्ड नंबर 3 म्यूनसिपल एरियाज थी, लेकिन वहाँ से इस लोकेशन को चेंज करके कभी बाईपास पे लिया गया और आज आपने देखा कि नेशनल हाईवे के अंदर पिछले 3 दिनों से जो है वो वाइन शॉप को खोला गया है जो इलीगल है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो कोर्ट की डायरेक्शन है उसके मुताबिक नेशनल हाईवे के ऊपर कोई भी वाइन शॉप जो है वो नहीं खुल सकती है, लेकिन वहाँ पर फिर भी वाइन शॉप खोली गई। आज लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा करके पीसफुल प्रोटेस्ट करके लोगों ने यहाँ की इंतजामिया को, एलजी इंतजामिया को वार्म किया है और इन्होंने रिक्वेस्ट की है एलजी इंतजामिया से कि यहाँ पे फौरी तौर जो है इस वाइन शॉप को बंद किया जाए। जहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। यहाँ पर बेरोजगारी का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। यहाँ पर टूरिज्म को देखा जाए तो टूरिज्म को फ़रोग दिया जाए। यहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जाए, यहाँ पर जहाँ पर जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाए, यहाँ पर ऐसी चीज़ें बनाई जाए जहाँ पर नौजवानों को जो है फ़रोग भी मिले, नौजवानों की डेवलपमेंट भी हो, सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट किया जाए। लेकिन शराब से ऐसी कोई भी चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। यहाँ की तमाम हिंदू बलादरी का, सिख बलादरी का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी आज इस बंद की सपोर्ट की और शाना बिशाना वो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल रहे। मेरी एक बार फिर इंतजामिया से गुजारिश रहेगी कि फौरी तौर पर इस डिसीजन को वापस लिया जाए और सुरनकोट, पूंछ और मेंढर से वाइन शॉप को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए।